नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। डिबेट के नंबर वन शो दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मस्ती का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बताता है कि हाई सिक्योरिटी वाले जेल में कैसे सत्येंद्र जैन को खास तरह की सुविधाएं दी गई। ये वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। उनके मसाज का यहां पर इंतजाम किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तभी से सत्येंद्र जैन तिहाड़ी हो गए थे, लेकिन केजरीवाल चीख चीख कर कहते रहे कि सत्येंद्र जैन को पद्म भूषण देना चाहिए, भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। जिस मंत्री के केजरीवाल वकालत कर रहे थे उन्हीं का वीडियो सामने आया तो आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि हम आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर इस वीडियो से जो खुलासा हुआ है वो सारा खुलासा ईडी पहले ही कोर्ट में कर चुकी है। अदालत में ईडी ने जो कुछ कहा था उसका सबूत अब सामने आया है, तो सवाल यह है कि क्या यही सबूत अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन जाएगा? क्या यही सबूत आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनावों में नासूर बन जाएगा? क्या यही सबूत गुजरात चुनावों में आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर देगा? सवाल ऐसे बहुतेरे हैं और आज इन तमाम सवालों पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस पूरे विषय को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि इस पूरे मामले को आप विस्तार समझें। उसके बाद मेहमानों से तारुफ और होंगे तीखे सवाल। हेड मसाज, फुट मसाज, बैक मसाज, ये कोई पार्लर नहीं बल्कि दिल्ली का तिहाड़ जेल है जहां केजरीवाल के मंत्री जी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। जिस जेल की चार दीवारी कांटों की तरह चुभती है वहां सत्येंद्र जैन हड्डियों की हरारत दूर करवा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 13 सितंबर 2022 का बताया जा रहा है, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल की चार दीवारी से बाहर निकली तो सियासी बवाल मच गया। हमारे लोकतंत्र के लिए क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है? इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने वीडियो को जारी करके केजरीवाल पर जोरदार हमला किया है। पूछा, इतना बड़ा खुलासा हुआ तो कहां चले गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल समझते हैं वो और उनका भ्रष्ट मंत्री कानून से ऊपर है, और वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आप में हिम्मत है, पूरे भारत की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं? अब 13 सितंबर का ही एक और वीडियो देखिए। एक वीडियो ये भी है जिसमें सत्येंद्र जैन अपने हाथों में लिए पन्नों को मालिश करने वालों को सौंप देते हैं, जो उन्हें बेड पर पैर की ओर रख देता है। उस वक्त समय हो रहा है 1:19 और मंत्री महोदय बगल में रखे रिमोट को लेकर टीवी ट्यून करने लगते हैं। इसके ठीक 8 मिनट बाद मसाज करने वाला शख्स मंत्री के हाथों की उंगलियां बजाता है। चौदह सितंबर का ये वीडियो भी काफी कुछ कहता है। ये सब बीजेपी ने ही जारी किया है। सेल नंबर 1 के अंदर से आई 14 सितंबर की कुछ और तस्वीरें भी सत्येंद्र जैन को लेकर हैं। रात 8:07 की इस तस्वीर में मसाज करने वाला पहले सत्येंद्र जैन के पैर की उंगलियों को मालिश करता है, फिर 7 मिनट बाद वो हाथ का मसाज शुरू करता है। आखिर में शुरू होती है बैक पेन दूर करने की कवायद। मसाज करने वाला कोई कसर नहीं छोड़ता, वो रात 8:33 पर चंपी भी करता है। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किए हैं उनमें से तीसरा दिन है 21 सितंबर। वक्त हो रहा है 7:56। उस वक्त सत्येंद्र जैन अपने सेल में बेड पर लेटे हुए हैं और उसी सेल के अंदर मसाज करने वाला मौजूद है, साथ में 3 अन्य लोग भी दिख रहे हैं। सत्येंद्र जैन की बेड के ठीक बगल में कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स मंत्री से बातें कर रहा है, 2 अन्य लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। 21 सितंबर का ही एक और वीडियो है, रात 8:04 का। उस वक्त मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा सेल में 4 आदमी ही है, बस सभी का लोकेशन बदला है। मसला वही है, मसाज जारी है।
बीजेपी दावा कर रही है कि तिहाड़ में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को पूरी लग्जरी दी जा रही है, लेकिन केजरीवाल के लेफ्टिनेंट मनीष सिसोदिया ने इसे नया टर्न दे दिया। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितना घटिया हो सकते हो इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने वीवीआईपी कल्चर पर चोट के वादे की याद दिलाई, बताया कि कैसे मोदी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को खारिज किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि एमसीडी और गुजरात चुनावों में हार सामने देख बीजेपी के पसीने छूटे। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो वीवीआईपी, कोई वीवीआईपी नहीं है, ये जनता वीवीआईपी है, लेकिन वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की, आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आपने बची। वीवीआईपी कल्चर पर एक वक्त केजरीवाल क्या कहते थे, आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी कहती क्या है और करती क्या है। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था, कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके आराम। ये सारे सील कर दिए, कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना। एमसीडी चुनाव से पहले ये तीसरा मौका है जब वीडियो और स्टिंग के मकरजाल में आम आदमी पार्टी फंस गई है। चंद रोज पहले ही कैश फॉर टिकट का मुद्दा उछला तो एसीबी ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से सवाल जवाब कर लिए। फिर शुक्रवार को ही बीजेपी ने एक और आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग जारी कर दिया। उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि मुकेश गोयल ने इंजीनियर से पैसे मांगे हैं और अब सत्येंद्र जैन के इन वीडियो के जरिए बीजेपी ने आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी का सीरियल अटैक जारी है। पलटवार के लिए आम आदमी पार्टी को सोचने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है जिसके जरिए बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज ले लिया है। फिलहाल केजरीवाल और उनकी पार्टी बैकफुट पर है। चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी के चरित्र का रेशा रेशा बीजेपी ने उखाड़ कर बेनकाब कर दिया है, जिसका नुकसान एमसीडी और गुजरात चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को हो सकता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक दिन। अब देखिए, चुनावों में नुकसान होगा नहीं होगा यह आखिरी फैसला जनता का है, लेकिन जो सवाल है वो आज हम पूछेंगे और इन सवालों के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मंजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ओनिका मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, आपका स्वागत है। एल एन राव सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली से, उनका भी स्वागत है। और इसके अलावा दो खास मेहमान हमें और बताए गए हैं, उनका नाम है रवि श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, और सईद अब्बास जी, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जिस शहर से मैं आता हूं सर, वहां पर एक बड़े मशहूर शायर थे आदम गोंडवी जी, उनका एक शेर था कि काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अब चर्चा की शुरुआत ही तो हमें लगा थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि पानी की बोतल रखी है कोने में, रिमोट है पास में, और उतरा है कट्टर ईमानदारी का पैमाना तिहाड़ जेल के मसाज पार्लर के अवतार में। तो रवि जी, ये जो आज तस्वीरें निकलकर आई हैं, आपको लगता है कि ये बड़ी चिंताजनक है? इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है,
देखिए बड़ी खबर यह आई है कि सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस गया है और ये बड़ी खबर है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जारी किया है नोटिस कि आखिर वीडियो लीक कैसे हुआ। तो आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रहे थे लेकिन अब सवाल बीजेपी से ही पूछे जाएंगे। सवाल ये कि आखिर ये वीडियो लीक कैसे हुआ, सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस गया है और ईडी को यह बताना है कि जो वीडियो कोर्ट में पेश किया गया था वो कैसे लीक कर दिया गया, बीजेपी ने उस वीडियो को कैसे जारी किया, वो मामला कैसे आया। ये देखिए ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, तीन वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जारी किए गए। इन वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए गए। मनजिंदर जी अब देखिए सवाल जो है, क्योंकि खबर बड़ी आ गई, मैं आपकी तरफ स्विच कर दे रहा हूं। ईडी से सवाल पूछा जा रहा है कि ये वीडियो आए कैसे, और आम आदमी पार्टी भी बार बार ये कह रही है कि आप लोग थोड़ा बौखला गए हैं गुजरात में या फिर एमसीडी चुनावों में, थोड़ी सी आपकी दाल निकल रही है, इसलिए आप लोग एक बीमार आदमी का वीडियो जारी करके उससे बदनाम कर रहे हैं। क्या काउंटर है सर आपका? देखिए पहले तो ये आम आदमी आपको जो अरविंद केजरीवाल के खास मंत्री हैं, ये आम नहीं है, पहले ये खास है। सत्येंद्र जैन वो मंत्री हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया, यही कारण है। एक मंत्री जेल के अंदर है, बिना बेल के है, फिर भी उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा, उसके लिए एक फाइव स्टार होटल जैसे कमरे की तैयारी की गई जिसके अंदर बकायदा टेलीविजन लगाया गया, आप देखिए उसमें चार्जर लगा है जो फोन चार्ज करने के लिए, वहां पे मसाज करने के लिए सिर की मसाज के लिए अलग आदमी आता है, पैर की मसाज के लिए अलग आदमी आता है, और एक और आता है अगर आपने देखा वीडियो में, मैं जरूर चाहूंगा लोगों को दिखाएं, मनोरमा कहानियां पढ़ के सुनाने के लिए भी एक आदमी वहां पर आता है जो किताब हाथ में पकड़े हुए कहानियां, मनोरमा कहानियां पढ़कर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बहुत शौक है मनोरमा कहानियां पढ़ने का, तो वो उनको पढ़कर सत्येंद्र जैन जी को सुना रहा है। अब सवाल ये है कि वीडियो कहां से आया, ये तो जनतक तौर पर सारे बाजार में गली गली में घूम रहा है, और ये जिसने बनाया उसने स्क्रीन से बनाया, देखेंगे जब वीडियो बना रहा तो उसकी आवाज आ रही है, लेकिन ये तो वीडियो सच्चा है झूठा विषय ये है। चोरी पकड़ी गई, चोर चोरी करता पकड़ा गया, अब वो पूछे जी कि आपने मेरी चोरी पकड़ी कैसे, आप चोरी पकड़ने वाले होते कौन हो, ये चोरी तो पकड़ी नहीं जानी चाहिए थी, मैं तो डकैती करने आया था, लेकिन डकैती पकड़ने का आपको अधिकार नहीं था, ये वो सवाल है। आज बड़ा सवाल ये है क्या अरविंद केजरीवाल को मॉरली इखलाकी तौर पर अभी ये बात कहने का अधिकार बचा है, ये सवाल पूछने का अधिकार बचा है? उनका एक मंत्री है, ये साधारण आदमी नहीं है, और ये मंत्री किनसे, आम साधारण लोगों से, आम आदमी के लोगों से पैर दबवा रहा है। मनजिंदर जी देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल भी आपका महत्वपूर्ण है, वो सवाल भी आम आदमी पार्टी से हम पूछते, लेकिन आज दर्शकों को बता दें हम कि आम आदमी पार्टी की तरफ से शो में कोई गेस्ट नहीं है, हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे ही सवाल हम पूछेंगे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सवाल होंगे हमारे पास। लेकिन मनजिंदर जी उनके पास मैं जाऊं उससे पहले एक बार फिर से, कोर्ट ने ईडी सवाल पूछा है कि ये वीडियो लीक कैसे हुआ। कई बार आप पर आरोप लगते हैं कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर लेते हैं, टाइमिंग जो है वो गुजरात चुनाव के आसपास है, वो महत्वपूर्ण सवाल है जो आप उठा रहे हैं, वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आप देना चाहें तो। नहीं मैं जरूर, मैं तो कह रहा हूँ ये तो जनता के हर एक के पास वीडियो है, वो आम आदमी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पे तो डालेगी नहीं, ये तो सुबह से वायरल है, हर आदमी के पास है, अब जिसने बनाई होगी स्क्रीन के ऊपर से ये तो वही जवाब दे सकता है। ठीक है, ना मैं बनाने वाला हूँ ना मैं, टीवी पे चली तो हमने भी उठा ली, लेकिन विषय बड़ा ये है जो मैं फिर आपको मिश्रा जी एक बार आग्रह करना चाहता हूँ, यह तो आप मानते हैं कि चोरी हुई तभी तो वीडियो बनी। ठीक है सर, रवि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, और देखिए शुरुआत जहां से मैंने की थी कि पानी की बोतल रखी है कोने में, रिमोट है पास में, उतरा है ईमानदारी का पैमाना तिहाड़ जेल में मसाज पार्लर के अवतार में, आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी के पास काउंटर करने के लिए कुछ बचा है? क्योंकि अब जो है वो सामने है, सार्वजनिक है, और इसके बाद कट्टर ईमानदारी का पैमाना हो या फिर पद्म अवार्ड देने की बात हो, भारत रत्न देने की बात हो, ये सारी बातें बड़ी बेमानी लगती हैं। लोग तो ये भी सवाल पूछेंगे कि भगत सिंह से तुलना करना भी क्या जायज था, क्या ये उनका भी अपमान नहीं था? शुभांकर जी मैं केवल आपसे एक प्रार्थना करूंगा छोटी सी, कि आप जितना समय बीजेपी प्रवक्ता को देते हैं वो हमें भी बात करने के लिए थोड़ा इक्विवेलेंट समय देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर बात शुरू कीजिए। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो जेल के अंदर वीडियोग्राफी करना इलीगल है। आप अपने चैनल पे जहां पर भी ये वीडियो दिखा रहे हैं आप उसके साथ में बराबर कैप्शन लिख रहे हैं बीजेपी के द्वारा जारी किया हुआ वीडियो, इसका मतलब चैनल को ये वीडियो बीजेपी ने दिया। तो आज जो नोटिस जारी हुआ है ईडी को
कि ये वीडियो कैसे बाहर आया, वो कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी को जारी होना चाहिए था, मगर वो तो एजेंसी इनकी ही नौकर है, इसलिए वो उन्होंने ईडी को कोर्ट ने रवि जी देखिए मैं आपको बिल्कुल टोकना नहीं चाहता और आपके पास पूरा समय है, ये सवाल पूछने का मेरा था, ये सवाल मैंने मंजिंदर जी से दो बार पूछ लिया। मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि जो ये वीडियो सामने आया है क्या ये आपकी इमेज को डेंट करने वाला नहीं है? ये कैसे तर्क है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा, कौन सर पे मसाज या पैर पे मसाज देता है? क्या भगत सिंह जिनसे तुलना की आपने, वो भगत सिंह भी जेल में मसाज करवाते थे? अब जनता ये सवाल पूछ रही है आपके कट्टर ईमानदारी के पैमाने को लेकर, आप उसका जवाब दीजिए। शुभांकर जी, पहली चीज तो ये है कि जो ये जेल में रखा गया है वो ही गलत है, वो अंडर ट्रायल है, कन्विक्टेड नहीं है, उन पर चार्जशीट अभी तक कोई दायर नहीं हुई, और जो दो आंकड़े सीबीआई और ईडी दे रही है वो दोनों आंकड़े एक दूसरे से अलग हैं, मतलब दोनों ही एजेंसी अभी ये भी तय नहीं कर पा रही है कि घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो दिल्ली में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पहली नजर में वो दोषी लगते हैं। मिश्रा जी, मैं बगल में पानी की बोतल रखी है, रिमोट रखा हुआ है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ इस सवाल पर क्या कोई जवाब है कोई डिफेंस में इस वीडियो को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी की घोर बेशर्मी और इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि एक बीमार आदमी जिसका इलाज कोर्ट के आदेश से चल रहा है उस पर ये इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और मेरी तो ये इच्छा है कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि वो स्पा है और मसाज पार्लर है, तो मैं समझता हूँ ये खुद जा करके वहां पे नहीं सर, स्पाइनल इंजरी में हेड मसाज और फुट मसाज कहां पर दिया जाता है? ये सवाल, और क्या स्पाइनल इंजरी में रिमोट रखा ना जरूरी होता है? स्पाइनल इंजरी में कोर्ट ने कहा कि बिस्लरी की पानी की बोतल रख दी जाएगी? सवाल डॉक्टर से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के पास चलते, ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। ओनिका जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है, बीजेपी बार बार कह रही है हमने एक्सपोज किया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी गिरी हुई हरकत है। कांग्रेस पार्टी इस वीडियो कैसे देख रही है, सत्येंद्र जैन को कैसे देख रही है, उस कट्टर ईमानदारी के पैमाने को कैसे देख रही है? शुभांकर जी, वो जो कहते हैं ना कहावत, आपने तो एक शेर की बात बताई, मैं कहूंगी कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना वो उसी गड्ढे में गिरता है। दोनों लगे थे ना कांग्रेस को कहने के लिए, चोर है ये, घोटाले किए हैं, एक ईमानदारी कहता है, एक कुछ कहते हैं, आज क्या स्थिति है, दोनों बुखलाए हुए हैं, इसलिए इस बुखलाहट में कुछ भी और कुछ भी करने को तैयार है। वाकई जो आम आदमी पार्टी है वाकई ईमानदार है, अब तो मानना पड़े कितनी ईमानदार है और कितनी यू नो साफ सभी के लोग हैं और कितने पाक हैं, दूध के धुले हैं, लेकिन नहीं, उनके कार्य देखिए साफ दिखाई दे रहा, कितने अच्छे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। वो तो कह रही है मैम, वो तो कह रहे हैं कि बीमार आदमी है, कोर्स को डॉक्टर ने कहा था इसलिए करवा रहे हैं। शुभांकर, जैसे वही वाली बात हो गई कि अभी पैसा पकड़ा गया ना, तो कहते देखो कितने ईमानदार है, हमने पैसा नहीं लिया, टिकट नहीं मिली तो पैसा नहीं लिया हमने, तो ये इनकी टैक्टिक सही है, हमेशा बात को ट्विस्ट करके टर्न करके दूसरे एंगल को देना। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, देख चुके हैं दोनों की दिल्ली की हालत, इन्होंने क्या की है, बर्बाद किया है, मैं बार बार कहती हूँ, लूटा है, प्लंडर किया है, और एमसीडी में जो इनकी दशा है तो सांस लेने की लायक की स्थिति नहीं बची दिल्ली में, तो बहरहाल दोनों बुखलाए हुए हैं, और गुजरात तो बहाना है, दिल्ली इसे घबराए हुए हैं, और कांग्रेस को दोबारा आना है। हालांकि सियासी मौसम में इसमें सियासत हर पार्टी करती है एलन राव साहब, लेकिन आम आदमी के मन में, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी जो लोग आम इंसान है उनके जहन में सर एक सवाल आता है कि अगर नेताओं को जेल में इतनी सहूलियत मिलती है कि वहां पर टीवी रखा हुआ है, बगल में कुर्सी रखी हुई है, सामने एक आदमी पैर दबा रहा है, बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, तो फिर जेल में रखने का नाटक क्यों सर? आम जनता के पैसे से इतनी सुविधाएं अगर दी जाएंगी तो फिर जेल में रखने का फायदा क्या है? खुला छोड़ दीजिए इससे अच्छा, वो आदमी भाग तो वैसे भी नहीं रहा है, चुनाव लड़ रहा है, मंत्री बना हुआ है, क्या बिना जेल प्रशासन के, क्या बिना राजनीतिक संलिप्तता के ये संभव है? और एक पूर्व डीसीपी होने के नाते इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एकदम मेरिट की बात करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट है लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक सुविधाजनक एक जगह दी गई है एक मंत्री जी को जेल में रहते हुए, और आम जो कैदी हैं, जो कैदी का मतलब यूटीपी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, आम इतने हजारों आम यूटीपी अभी इसमें तिहार जेल में है, वो क्या सोचेंगे भाई, हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, इनके लिए क्या स्पेशल हो रहा है?
ये गलत बात है। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कहा कि थेरेपी हो रही है, उसके लिए मैं बता दूं, अगर डॉक्टर ने भी प्रेस्क्राइब किया है तो पहली बात तो आपने खुद कहा है ये बात कि वो थेरेपी सर में नहीं हो सकती, तलवे में नहीं हो सकती, अगर आंत में कोई गड़बड़ है तो उसमें वो वहीं पे थेरेपी होगी। दूसरी, थेरेपी कहीं ऐसे वीआईपी जैसे रूम में नहीं होती, यहाँ तो हर चीज फैसिलिटी मिल रही है इनको। नहीं, एलन राव साहब, जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझा दीजिए कि मान लीजिए अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब भी किया है तो क्या इस तरह से जेल के अंदर एक कैदी को जो अंदर है, ट्रायल में भी है, क्या उसको इस तरह की सुविधाएं, इजाजत होती है किसी भी स्पेशल केस में कि चार आदमी बैठे हैं, पैर दबाया जा रहा है, सर में मसाज लगाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं होती। वहीं पे मैं आ रहा था अभी कि अगर किसी डॉक्टर ने बताया भी गया तो थेरेपिस्ट का सेंटर होता है, हॉस्पिटल है, वहां पर डिस्पेंसरी है, वहां पर थेरेपिस्ट की जगह होती है, वहां ले जाके वो कराएंगे। ये नहीं है कि यहाँ के अपने रूम में। मैं तो हैरान हूँ इस बात देखकर कि ऐसे इतने बड़े रूम में, जैसे वीआईपी जैसे रूम में लेटे हुए आराम से, जैसे कि इनको तो कोई जेल होने का कोई वो वही गुनाह ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ये बात सही है कि थेरेपिस्ट अगर होती तो थेरेपी सेंटर में होती, ऐसी जगह में थेरेपी नहीं हो सकती। थेरेपी वाली बात कहानी गलत है। दूसरे, कभी कभी सीआईपी जो रवि श्रीवास्तव जी कहते हैं तो फेक है, वीडियो फेक है, क्यों इसको यूज किया, ये भी बात गलत है। क्योंकि एक चीज है तो सही, इसको तो माना है कि वो है, और सिसोदिया जी ने माना है, हाँ जी है, लेकिन उन्होंने थेरेपिस्ट का बहाना ले लिया, वो बिल्कुल गलत उतरा। नहीं, लेकिन एलन राव साहब देखिए, अब आपने आम आदमी पार्टी के जो दावे थे उसको तो आपने एक्सपोज कर दिया, लेकिन एक सवाल और जनता के मन में है, वो सवाल ये है कि क्या जेल के अंदर, बैरक के अंदर इस तरह से मोबाइल से या किसी और चीज के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, और अगर हो जाती है तो क्या इससे पहले भी हुई, और नहीं हुई तो इस बार ये स्पेशल कंडीशन कैसे आ गई? देखिए, मैं आपको बताऊं, जेल में ये जहां तक पता लगा है ये सीसीटीवी फुटेज में आपको डेट और टाइम भी आ रहा है, तो इसका मतलब सीसीटीवी फुटेज या तो लगाई गई होगी या जेल अथॉरिटीज ने लगाई होगी, वो फुटेज वहां प्रिजर्व होगी, वहां से किसी ने निकाली है, वो अलग विषय है। आमतौर पर बैरक में क्या सीसीटीवी लगाया जाता है कैदियों पर नजर रखने के लिए? आपके ये बैरक नहीं लग रही है, स्पेशल रूम है, ये बैरक नहीं है, बैरकों में नहीं होता सीसीटीवी, लेकिन हाँ आम जगह जो पब्लिक प्लेस है वहां पे सीसीटीवी होता है, और वहां सीसीटीवी इसलिए होता है कि वहां कोई घटना हो जाए तो उसको और उसकी इंक्वायरी में मदद मिले। ठीक है, तो जैसे ठीक है सर, आपने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। सईद जी, सईद अब्बास साहब हमारे साथ है। सईद अब्बास साहब, एलन राव साहब को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया ने जो बातें कही टीवी पर आकर, बीमारी वाली बात या सारी बात, वो सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं। किसी भी सूरत हाल में ऐसी इजाजत नहीं होती है, तो क्यों ना कहा जाए कि आप लोगों ने आम आदमी का एक मुखौटा लगाया है, लेकिन उसके पीछे का चरित्र ये है जो यहां नजर आ रहा है। शुभांकर साहब, डिबेट की शुरुआत में आपने एक जबरदस्त शायरी का ऐलान किया, उसी किसी के साथ जुड़कर मैं दो लफ्ज कहना चाहूंगा। इरशाद है कि हकीकत छुप नहीं सकती छुपाने से, महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। शुभंकर साहब, मैं मानता हूँ आपकी बहुत सारी बातें, आपकी जो बातें हैं, और साथ में सिरसा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो क्या बतलाना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं। डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी की, इसकी मास्टर हो चुकी है। गुजरात का इलेक्शन, एमसीडी पोल्स, दिल्ली में हारने वाले हैं ये लोग, इसीलिए ये सब सीसीटीवी का नाटक कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये सिर्फ दिल वालों की दिल्ली नहीं, दिमाग वालों की भी दिल्ली है, और ये सब देख सकते हैं और जान सकते हैं। किसी का मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे मैं बात तो बता दूं आपको, फिजियोथेरेपी सईद साहब, ये मजाक कैसे हो गया? सईद साहब, आप टेक्निकल पॉइंट पे समझा दीजिए, मैं आप ही को, किसी और को बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं सर, आप ही से जवाब देंगे। शुक्रिया। टेक्निकल पॉइंट पे समझा दीजिए, ये कैसे मसाज है, क्योंकि एलन राव साहब भी कह रहे हैं कि भाई स्पाइनल इंजरी में सर पे और पैर पे मसाज कैसे हो गया, सर में तेल लगाया जा रहा है, मालिश का अंतर समझते हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल शुभंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे वक्त दे रहे हैं। एलन राव साहब को एक चुनौती देता हूं मैं, वो माशाल्लाह पुलिस के बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं। भाई साहब आप बताइए, जेल का रूल बुक उठाइए, मैनुअल उठाइए, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि इस मरीज को बिस्लेरी वाटर या मिनरल वाटर देना चाहिए, क्या ये इसका लेना क्या गलत है? गलत है, आप बताइए मुझे। इतने सारे जेल के एलन राव साहब, मेडिकल एलन राव साहब, आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि क्या किसी के ऑर्डर पर जेल रूम में टीवी लगाना, अच्छे गद्दे लगाना, साफ सुथरी बेडशीट, घर की टी शर्ट पहनना अलाउड, चार्जर का पॉइंट लगाना, बिस्लरी की बोतलों का इकट्ठा रख देना, ये सब अलाउड होता है? नहीं बिल्कुल, ये अगर प्रिस्क्रिप्शन में है, आप एलन राव साहब से पूछिए, पूछ रहे सर, जवाब दे दीजिए। बता रहा हूँ एलन राव साहब, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरा सुनिए। सईद साहब जवाब ले लेते हैं, सईद जी जवाब ले लेते हैं, सईद जी जवाब ले लेते हैं जी। राव साहब, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा अगर जनवर में, मैंने तो बता दिया कि ऐसी मसाज चाहे कहीं भी है, अगर की है तो यहाँ पर नहीं हो सकती। जनवर में बता रहा हूँ,
में बिनल बात्र का लिखा है, तो हो सकता है वो प्रिस्क्रिप्शन, कितने कितने ऐसे रोगी हैं वहां पर, आप कितने रोगी हैं जेल में जिनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। जेल मंत्री हैं तो जेल मंत्री के डॉक्टर भी जेल मंत्री के अंडर काम करते हैं ना। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन है तो आप बता दीजिए, आप आरटीआई में लेके बता दीजिए कितने और कैदियों को दे रखा है मिनल वाटर। सईद साहब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जनता के मन में यही है। सईद साहब, आप आम आदमी पार्टी ने बार बार जनता के बीच में पूरे देश में जाकर कहा कि हम पॉलिटिक्स बदलने आए हैं, हम आपकी तरह लोग हैं, साधारण लोग हैं, तो साधारण जनता ये सवाल पूछाती है। मंजीत जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मनजिंदर जी मैं आ रहा हूं, आम जनता ये जानना चाहती है कि बीते 7 सालों में कितने ऐसे रोगी हैं, कितने ऐसे जेल में कैदी हैं जिनको आपने ये सारी सुविधाएं दी हैं। अगर कोई लिस्ट है तो बता दीजिए, और अगर नहीं है तो क्या ये सारा अधिकार सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेल में मंत्री हैं, आपने उनको पद पर बना रखा है, आपने उनको भगत सिंह कहा है, आपने उनको कहा कि भारत रत्न दे दिया जाए। शुभंकर साहब, आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है, वाजिब है, पत्रकार होने के नाते आप सही सवाल पूछे और उसका जवाब मैं 10 सेकंड में दूंगा। भाई साहब, हमें ये समझना चाहिए शुभंकर साहब कि इस व्यक्ति को जेल के अंदर रिकॉर्ड उठा के देखिए, राव साहब 2 बार ये व्यक्ति गिरा है, 2 स्पाइनल इंजरी के ऑपरेशन हुए हैं इस पर, इसको सख्त और सख्त जरूरत है मेडिकल अटेंशन की। अरे ये तो आप बता रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं उसके लिए सेपरेट रूम होते हैं, उसके लिए अलग जगह होती है, वो आपका घर नहीं है। जेल और घर में अंतर यही होता है, घर में आप कहीं भी डॉक्टर को बुला सकते हैं, जेल में व्यवस्था होती है, अलग रूम होते हैं, उस रूम में जाते हैं। मंजिंदर साहब मैं आपके पास आऊंगा, आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात से थोड़ा डर गई है, दिल्ली से सहम गई है, इसलिए चाहे सुकेश शेखर की बात हो या मुकेश जी का स्टिंग ऑपरेशन हो या ये मामला हो, ये सारी बातें बीते हफ्तों में आप लोगों ने हाईलाइट की है ताकि आम आदमी पार्टी की इमेज को आप डेंट पहुंचाएं और अपने कामों को छिपा लें, जनता में वापस वोट ले लें। देखिए, जब आम आदमी पार्टी पैसे लेगी तभी तो बोलेंगे पैसे लिए, अब चुनाव में टिकट बांटने के पैसे लिए, इसकी भविष्यवाणी 3 साल पहले तो हम नहीं कर सकते थे। चुनाव आएगा, टिकटें बिकेंगी तो हम बोलेंगे, राज्यसभा आई, इन्होंने 3 राज्यसभा बेची, तो तभी बोलेंगे, जब राज्यसभा आएगी वो बेचेंगे तो हम बोलेंगे, अब 2 राज्यसभा दिल्ली की बेची तो बेचेंगे तब बोलेंगे, तभी बोलेंगे, पंजाब में सरकार बनी तो मंत्री पद बेचे, अब मंत्री पद बनेंगे बेचेंगे तभी तो बोलेंगे। अब मुझे एक बात बता दो शुभंकर जी, शुभंकर जी देखिए, एक तो सही जी, तो सही जी, बोलता नहीं। हमने आपको सुना सही जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया, बात नहीं है, आप इतने आप मनिंदर जी बात कर रहे हैं, मैं देखिए मैं पैनल से रिक्वेस्ट जी जी मैं आपको एक पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई मूंजबानी बात नहीं बोलूंगा, ये माननीय जज साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, ना मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ना कोई और कह रहे, ये कह रहे हैं, इन द लाइट ऑफ द अबव सर डिस्कशन इट इज प्रेमिसाई कम ऑन रिकॉर्ड दैट एप्लीकेंट अक्यूज्ड इंदर जैन was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to Kolkata bait entry operator and thereafter bringing the cash into 3 companies, namely jo bhi companies ka naam hai, ye main to keh nahi raha, jai sahab ne ka apne order bail reject karte hue, secondly unhone ka with the regard of source of funds which have been generated undisclosed income to the tune of 16 crore 38 lakh 83,500, which shows that the false declaration under IDS 2016 was made by their 2 accused just to protect applicant accused Tinder Kumar Jain. अब बताइए, Tinder Kumar Jain को जज साहब भी कह रहे हैं कि ये इसका क्राइम प्रोसीड्स का पैसा है जो रिश्वत में लिया है, उसको सफेद करने की कोशिश की है। देखिए, आप बातचीत मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात हुई है, लिहाजा एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जो आज तीखे सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, ये ऐसे तीखे सवाल कभी केजरीवाल जी पूछते थे एक दौर में, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर, जरा सुनिए आप पहले। इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था, कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके आराम, ये सारे सील कर दिए, कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना। रवि जी, ऐसा लग रहा है कि शायद सत्येंद्र जैन के लिए बोल रहे थे केजरीवाल जी। देखिए, जो मित्र अभी अभी बता रहे थे कि वो टिकट बेचे, ये नहीं, नहीं, रवि जी आपने बयान सुना, रवि जी आपने बयान सुना अरविंद केजरीवाल जी का, पैसे इनके सामने लिए गए थे क्या? रवि जी, अरविंद केजरीवाल का बयान बिल्कुल ठीक है, अरविंद केजरीवाल का बयान बिल्कुल ठीक है, और अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त वो बात कही थी वो बात बिल्कुल वैलिड थी। अच्छा, और ये इनसे पूछिए कि वो मध्य प्रदेश के अंदर राघव जी क्या सुविधा पा रहे, वो बीजेपी और कांग्रेस पर ठीक हो जाती है और आम आदमी पार्टी का मंत्री जेल में जाता है उसके लिए अलग से
एक कमरा बनाता हूँ वहां पर सही नहीं बैठती है, वो तो बीमार भी नहीं है भैया, वो तो बीमार भी नहीं है, उन्हें किस बात की सुविधा दी जा रही है? ओनिका जी शायद इसका जवाब आप दे सकती हैं, क्योंकि शीला दीक्षित जी को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे, एक एक बैग लेके लोग निकलते थे, कहते थे देखिए आरोपों की झड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस दौर में कहा भी कि लोग जेल में जाते हैं अलग बैरक बनता है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं मानो घर है। आज वही सवाल उन पर उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उस दौर में ठीक था और आज उनके मंत्री भी ठीक हैं। यही फितरत है कि एक फाइल लेके घूमते थे 720 पन्नों की कि ये माफिया है टैंकरों के, ये माफिया है जल बोर्ड के, ये देखिए घोटाले की सरकार, ये देखिए तमाम फाइल लेके। आज वो फाइलें कहाँ हैं? क्योंकि ये उतने मास्टरमाइंड है सर करने के लिए, लेकिन करनी कथनी में अंतर का इतना एक स्टाइल ऑफ एक्शन था इनका जो कि परत बाय परत एक्सपोज हो रहा है। ये इतने शातिर तरीके से आए हैं सर ऐसी ऐसी बातें करके आपके सामने मफलर और खांसी, इनकी खांसी शुभांकर जी ठीक हो गई लेकिन दिल्ली वालों को खांस खांस के बुरा हाल कर दिया, पोल्यूशन में और जहर के चैम्बर में इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है इनको। नहीं, लेकिन मैम आपको तो गायब कर दिया कांग्रेस पार्टी को, इन आरोपों ने दिल्ली से गायब कर दिया। घबराहट है शुभांकर, यही कारण इनको घबराहट हो रही है कि आज सच्चाई दिखाई दे रही है कि जो ये बातें करके आए थे उसमें से कोई बात कांग्रेस के खिलाफ सच नहीं निकल रही, सारी बातें इन्होंने कौमी झुटका, और शायद यही कारण है कि लोग दोबारा कह रहे हैं कि हमें वही कांग्रेस चाहिए, वही चमचमाती दिल्ली चाहिए जो शीला जी के टाइम में थी। और देखिएगा हमसे चुनाव में कि एक तरफ वोट होगी और कांग्रेस दोबारा जीत के आएगी, क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किए उसके उसमें से शुभांकर सर एक भी काम आगे नहीं बढ़ाया, इतने काम हो चुके हैं कि इनको 2030 तक काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस लेपापोती करनी है, आई वॉश करना है। और जो सूट मैं आ रहा हूँ सभी के पास आ रहा हूँ, आप लोग सर मैं बराबर समय देने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को। एलन राव साहब, आज ये वीडियो नजर आ रहा है सर हमें, इसमें हमें चार लोग भी नजर आ रहे हैं, अब क्योंकि आप टेक्निकल पॉइंट समझा सकते हैं, मनजिंदर जी आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी से है, राजनीतिक विश्लेषक अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट पे जो ये चार लोग नजर आ रहे हैं, क्या जेल के अंदर ऐसा घर जैसा माहौल होता है कि चार आदमी आ गए पन्ने पढ़े जा रहे हैं पन्ने पकड़ा दिए गए? ये तो बड़ा पारिवारिक फैमिली वाला माहौल लग रहा है, यहाँ पर एक आदमी पैर दबा रहा है। देखिए ऐसा जेल मैनुअल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर किसी कैदी के साथ मुलाकात करनी है, यूटीपी के साथ, अन्य ट्रायल प्रिजन के साथ मुलाकात कर रही है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात करने वाले को एक अर्जी देनी होती है, अर्जी अप्रूव होती है, टाइम फिक्स होता है, और वो जेल की और जो मिलने की जगह है उसमें जाली लगी हुई थी, जाली के बीच में मुलाकात होती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर बहुत ही अगर स्पेशल जैसे हम वकील लोग मिलने जाते हैं किसी यूटीपी से, तो जेल सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में बैठ के मुलाकात होती है, इसके अलावा कहीं भी कोई भी आदमी उसके कमरे में जाके मुलाकात करने का तो मतलब ही नहीं है, तो ये पब्लिक का आदमी उस यूटीपी के रूम में जहां भी रूम हो या वीआईपी नहीं, तो मुलाकात का सर अधिकतम समय कितना होता है हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुलाकात सीसीटीवी वीडियो आया है इसमें तो कई कई घंटों तक मुलाकात है और हर दिन मुलाकात हो रही उन्हीं लोगों की जो जाली से मुलाकात कुछ कहते हैं, जाली में जो होती है मुलाकात जो किसी पब्लिक के आदमी के साथ या घरेलू आदमी के साथ या रिश्तेदार के साथ में होती है, वो 15 से 20 मिनट की होती है या मैक्सिमम आधे घंटे की, बहुत अच्छी जो रिक्वेस्ट करे तो आधे घंटे की, और जेल सुप्रिंटेंडेंट के साथ भी होती है वो आधे घंटे के साथ ही होती है। इसके अलावा मुलाकात का कोई प्रोविजन नहीं है जेल मैनुअल में, दो ही तरीके से मुलाकात हो सकती है अंडर ट्रायल प्रिजनर से, और घंटों घंटों मुलाकात उसके कमरे में होना बहुत ही वायलेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है। अब देखिए एक वीडियो जो 21 सितंबर का आया है वो 7:56 का है, फिर 8:00 पर आ रहा है, चार आदमी यहां मौजूद हैं सईद साहब, अब फिर जो सवाल है मन में यही आ रहा है कि ये चार लोग कौन हैं, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को आप लोगों ने दरकिनार कर दिया था कि उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन सुकेश ने यह कहा था कि जेल से एक रैकेट चल रहा है जो सत्येंद्र जैन चला रहे हैं, 10 करोड़ रुपए मांगे हैं, अंदर से दबाव आता है, और इसी सारे आरोपों के बीच में डीजी जेल और सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया था, दो अधिकारी बड़े हटाए गए हैं, तो क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, वो उन दावों को और पुख्ता नहीं करते? आप फिर रवि जी के पास में जाऊंगा। शुभांकर साहब सबसे पहले तो मुझे 30 सेकंड दीजिए, बस मैं आपको बताता हूं इसमें बीजेपी की चाल क्या है। देखिए जब पंजाब का इलेक्शन था उनको किसका सहारा लेना चाल सर हम समझ लेंगे, चाल समझने के लिए बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूंगा, सवाल मैंने आपसे पूछा है, डीजी जेल को हटाया गया, सुपरिटेंडेंट को हटाया गया, उसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए थे, अब ये वीडियो आने के बाद वो आरोप पुख्ता लगते लग रहे थे, लोग यकीन क्यों ना करें कि वो सच्चाई है? आप इतने जबरदस्त एंकर है, आप दिल पर हाथ रखिए बताइए, आपको यकीन है क्या सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाटक पर, बताइए आपको यकीन हो रहा है? सर मुझे तो ये भी दिखाई पड़ रहा है, मेरे तो मन में ये भी सवाल आ रहा है कि अब तक मंत्रालय बचा क्यों है, वो आम आदमी पार्टी जो नैतिक अधिकार पर इस्तीफा मांगती थी
आज उसके मंत्री पर लगातार आरोप लग रहे हैं और मंत्रालय नहीं हट रहा है, इसके पीछे क्या वजह, यह भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। दिल पर हाथ रखने पर भी समझ में नहीं आ रहा जी भाई साहब, वो तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आप और हम थोड़ी क्रोध पे आए हैं, पैसा अरविंद केजरीवाल जी के घर में गया है, ठीक है, वही अरविंद केजरीवाल जी सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। अरे 10 सेकंड दीजिए भाई साहब, पूरा समय दीजिए, 30 सेकंड दीजिए और नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए आज भाजपा डर गई है, बौखला गई है, गुजरात इलेक्शन हारेगी, एमसीडी के दिल्ली इलेक्शन हारेगी, ये हार की पुकार है जो आ रही है, कहां से ली आपने ये वीडियो, वापस क्यों ले रहे हैं, बीजेपी पर फोकस कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। लेकिन मनजिंदर जी, मनजिंदर जी, इस वीडियो के आने के बाद क्या बदल जाएगा? क्योंकि एक वर्ग ये कह रहा है जो सियासत को समझता है कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जा रही थी यूएसपी के तौर पर, उस पर डेंट लग गया है। आरोप ये भी लग रहे हैं या सियासी पंडितों में ये बात हो रही है कि जो आरोप आप लगाते थे, थोड़े दाएं बाएं भी होंगे तो जनता यकीन कर लेगी, तो क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इससे आप लोग को, इसीलिए आप लोग इतने अग्रेसिव हैं? नहीं देखिए, हम तो ये बता रहे हैं कि बहुरूपीय हैं। देखिए जहां तक चुनाव की बात है, आज एक बड़ी 2-3 बातें मेरे को कहने का मौका दीजिएगा जी। सबसे बड़ी बात है, अगर ये पार्टी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के शौक रखते थे, आज वो कहां छुप गए और आज उनके स्पोक्स पर्सन टीवी पे आने को तैयार नहीं है, तो ये बड़ा स्पष्ट है ना कि अगर वो सच्चे होते तो उनके स्पोक्स पर्सन टीवी पे आकर चला चला कर बोलते, क्योंकि वो झूठे हैं, पकड़े गए। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता सर समय समय पर जब मामला बहुत पेचीदा होता बच जाते हैं, बीजेपी ने भी कई बार बात होंगे। दूसरी बात, आपने कहा गुजरात, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी 20 स्टेटों में चुनाव लड़ चुके और हर बार एक ही बात कहते हैं। अभी ये बाई इलेक्शन हुई थी आदमपुर की, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मेरे से लिखवा लो, 66% वोट हमें अकेलों को मिल रही है, जो माने जब तोगी कुल 3000 वोट मिली। यूपी में गए थे, कह रहे मैंने सारे यूपी में बात कर ली है, यूपी के लोग बोल रहे हैं जी इस बार हम ना अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, हमारी जी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी जी, हमने सर्वे कर लिया है जी, वो 4 सीटें भी नहीं आई, 4 में जमानत भी नहीं बची, फिर चले गए उत्तराखंड में, यही रोना उत्तराखंड में था। इस बार आपको फायदा होगा मनजिंदर जी, कहां पे गए, आपको फायदा होगा मनजिंदर जी, इन वीडियोस को जारी करने के बाद भले सोर्स ना पता लगे, जवाब ईडी को देना पड़े, आपको फायदा होगा। इनकी चोरियां जनता को हो रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक इनकी चोरियां जन जन तक कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी सबसे अमीर मुख्यमंत्री जी बन गए, कैसे बने, जवाब तो ठीक है। रवि जी आपने मनजिंदर जी को सुना, कई तरह के आरोप लगाए उन्होंने। रवि जी ये जो मिमिक्री कर रहे हैं ना बैठ करके केजरीवाल की, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे दिल्ली कूड़े के पहाड़ पे बैठी हुई है जी, उसी के नीचे आदमी क्या गलत बोला, गली गली में शोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, हर आदमी ये बात सड़क पर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो बेईमान है, उन्होंने मुखौटा पहन रखा है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बन गए? रवि जी मनजिंदर जी, अरविंद केजरीवाल जी पर तो कोई आरोप है नहीं मनजिंदर जी। अरे भाई क्यों, अरविंद केजरीवाल जी पर कौन सा आरोप है? पैसा वही लेते हैं, सुकेश ने बताया 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा बेची, आप बताइए राज्यसभा की टिकटें बिक्री होंगी, अमीर आदमी सर, आप केवल आरोप तो बीजेपी पर भी लगा देंगे, यहाँ दो लोग बैठे सही जी रवि जी, वो आप पर और बाकी आपके मुख्यमंत्रियों पर, देश के बड़े नेताओं 75 आरोप लगा देंगे, बताइए तो सही। फिर बड़े चैनल पर बैठ कर इतना थोड़ी ना करेंगे, थोड़ा सा तो नहीं, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बन गए अरविंद केजरीवाल जी, फिर कैसे बन गए बताइए, 3 राज्य की सीटें पंजाब की बिकी, पैसा किस रवि श्रीवास्तव जी ने लिया, रवि श्रीवास्तव जी ने पास लिया पैसा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग आम आदमी से अब खास आदमी बन गए हैं, कुछ ही सालों में दबा के मोटा पैसा आप लोगों ने छाप लिया है। अब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं सारा पैसा, सुन लेते मनजिंदर जी, मुख्यमंत्री मनजिंदर जी जवाब ले लेते, रवि श्रीवास्तव जी बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी से अब आप लोग खास आदमी बन गए हैं, मोटा पैसा छाप लिया आप लोगों ने दबा के, और इसी वजह से ये ईडी की रेड या जो भ्रष्टाचार निकल रहा है। रवि जी शायद आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है, ये सवाल मैं सईद जी को टॉस करता हूं, फिर मैं एलन राव साहब के पास जाऊंगा। सईद, ये सवाल आ रहा है कि वैगनार से शुरुआत हुई थी, आम आदमी पार्टी की बात कही गई थी कि आम जनता की तरह है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, अब घरों में छोड़िए, गाड़ियों में छोड़िए, चार्टर छोड़िए, अब तो जेलों में भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। देखिए रही अरविंद केजरीवाल की बात, मैं समझता हूँ सिरसा साहब मेरे बड़े भाई हैं और भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये बिल्कुल गलत है ऐसी बातें कहना। मैं समझता हूँ जैसे
प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, और संवैधानिक पद है उसका तो लिहाज कीजिए। और रही सीबीआई ईडी आईटी के रेट्स की बात, क्या मिला आपको? बाबा जी का टुल्लू, मनीष सिसोदिया को रेट किया, सत्येंद्र जैन को रेट किया, सत्येंद्र जैन जी घर से इतना सोना मिला आपको भूल गए? जो मन नहीं नहीं भाई साहब, अभी बात सुनिए, बात तो ये है, एक आम आदमी के घर में अनाज नहीं होता, उससे ज्यादा सोना मिला है। भाजपा आज डर चुका है जी, आप भूल रहे हैं सैयद अब्बास साहब, जितना सोना अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से मिला उतना अनाज भी नहीं होता आपके और मेरे घर में। मनजिंदर जी, मनजिंदर जी एक बार सुन लेते हैं सईद को, मनजिंदर जी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सुन लेते सईद को भी। सॉरी जी शुक्रिया सिरसा साहब, मैं समझता हूँ, देखिए सीबीआई ईडी आईटी अब पिंजरे का तोता बन चुका है, साथ में पुलिस, लेकिन बात यह है हिंदुस्तान आज जानता है, दिल्ली गुजरात के लोग जानते हैं कि बीजेपी आज भोकला गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जीतने वाला है। आप बातें रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैं एलन राव साहब के पास जा रहा हूं। एलन राव साहब, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मेरे जैसे एक आम इंसान के मन में यह सवाल आता है, और दरअसल दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि क्या जेल की स्थिति ऐसी ही होती है कि जिसके पास पैसा है वो सुविधाएं ले सकता है? ये अलग बात है, इस बार वीडियो आ गया तो चर्चाएं तेज हो गई। सौरभ जी, मैं सच्चाई से बताता हूँ, पैसे वाले के लिए कोई जेल नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे पद हो, चाहे ताकत हो, ये साफ जाहिर है। हमारी भारतीय जेलों का यही हाल है, आपने देखा यूपी में मंत्रियों ने कैसे आराम से वहां एसका बना रखी थी, यही हाल दिल्ली का है। तो ये जहां तक पैसे की बात है, पैसे की ताकत और राजनीति की ताकत, ये दोनों ही है, ये सच्ची बात है, इसमें मैं कहने में गुरेज नहीं करता, ये आम पब्लिक जानती है। इसमें आप देखिए, आम जो आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जो आम कैदी जो जेल में बंद है यूटीपी, वो क्या सोच रहे होंगे, हमारे साथ क्या होगा, हम क्या कितना न्याय किया है, न्याय हमारे, हम ये कहते हैं हमारे देश में रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर है, तो सबके लिए बराबर है तो जेल तो सबके लिए है ना, तो ये कौन सा तरीका है? फिर मेरे मन में वही सवाल आ गया कि फिर जेल में रखा क्यों है? अगर वीवीआईपी आदमी को इतना ट्रीटमेंट देना है तो फिर जेल में हमारे पैसों से क्यों रखा जा रहा है? बाहर छोड़ दीजिए, जब बुलाना होगा बुला लीजिएगा। ठीक है सर, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं ये तो जनता को हम छोड़ देते हैं, जनता देखे सुने समझे, क्योंकि चुनावों से 10 दिन पहले ये वीडियो आता है। क्या ये वीडियो आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाएगा एमसीडी से लेकर गुजरात में, या फिर बीजेपी जो कहना चाह रही है वो जनता को समझ में नहीं आएगा? जो भी फैसला है वो आखिरी फैसला आपका है, हमारी कोशिश थी दंगल में समझें। ये वीडियो आपने देखा, इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। फिलहाल दंगल में इतना ही, देखते रहिए आशा।